बिहार के किसान जो कि सूचना की पारंपरिक स्रोत के आधार पर खेती कर रहे हैं, उनके लिए वर्ष 2017 में एक क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। वे बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर द्वारा खड़ा किया गया आईसीटी आधारित ई कृषि प्रणाली से अब पूरी तरह जुड़ चुके थे। इसकी शुरुआत करने से पहले विश्वविद्यालय में किए गए एक विस्तृत सर्वेक्षण से पाया गया कि वर्तमान कृषि सूचना प्रणाली धीमी है और किसानों तक विलंब से जानकारी पहुंचने से कृषि उत्पादकता में कमी होती है। इसी सर्वेक्षण के आधार पर विश्वविद्यालय के मौजूदा आईसीटी सुविधाओं को मिलाकर एक समग्र और अनोखा आईसीटी आधारित कृषि प्रसार प्रणाली बनाया गया। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के इस अनोखे मॉडल ने जहां कृषि सूचनाओं से सीधे कृषकों को जोड़ा, वहीं 2017 में मोबाइल के क्षेत्र में हुए 4G क्रांति ने इस परियोजना को और भी तीव्रता प्रदान किया। विगत 2012 से 5 जिलों में पायलट योजना के सफलतापूर्वक चलने के बाद अब पूरे तरह से बिहार के 21 जिले में ई कृषि प्रसार प्रणाली क्रियान्वित होने लगी। इस परियोजना के तहत हर रोज विश्वविद्यालय से 4 कृषि विज्ञान केंद्र जुड़ते हैं और इस प्रकार रोजाना लगभग 100 किसान प्रशिक्षण लेते हैं। प्रत्येक महीने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का विषय कृषि विज्ञान केंद्रों के किसानों की जरूरत और मांग के अनुसार तय की जाती है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से दिए जा रहे प्रशिक्षण को किसानों में विषय के अनुरूप समझ विकसित करने के लिए विश्वविद्यालय ने एक अनूठा प्रयोग आउटडोर ब्रॉडकास्ट सिस्टम TBU मॉडल के रूप में किया है। किसान इसके जरिए सीधे खेतों में चल रहे प्रयोगों को देख रहे हैं। कृषि ज्ञान अब किसानों के द्वार। बिहार कृषि विश्वविद्यालय के अनूठे पहल से किसानों को अपने गांव और कस्बों में ही कृषि ज्ञान को परोसा जा रहा है। इस तरह के 2 किसान ज्ञान रथ किसानों की सेवा में निरंतर गांव में घूम रहे हैं। इसमें लगे बड़े स्क्रीन में बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर की मीडिया सेंटर से बनी कृषि फिल्मों को प्रदर्शित किया जाता है, साथ ही एक स्क्रीन रथ के प्रदर्शनी कक्ष में लगी है। इस प्रदर्शनी कक्ष में मौसम के अनुरूप कृषि प्रदर्शनी लगाई जाती है। इसके अलावा एक मिट्टी जांच प्रयोगशाला भी रथ में मौजूद है। जरूरत के आधार पर TBU मॉडल से रथ को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जोड़ा भी जाता है। बिहार कृषि विश्वविद्यालय देश के उन चुनिंदा विश्वविद्यालयों में से एक है जहां कृषि आधारित किसान उपयोगी फिल्मों का निर्माण किया जा रहा है। इन फिल्मों का प्रदर्शन किसान ज्ञान रथ के अलावे माइक्रो SD कार्ड में डालकर किसानों को उपलब्ध कराया जाता है। इसके अलावा फिल्मों को सोशल मीडिया जैसे YouTube, WhatsApp और Facebook के माध्यम से प्रेषित की जाती है। इसका असर यह है कि विश्वविद्यालय का YouTube चैनल आज देश के सबसे अधिक देखे जाने वाले विश्वसनीय YouTube चैनलों में शामिल है। लगभग 4 करोड़ लोग अभी इस चैनल को देख चुके हैं और करीब 3.5 लाख से अधिक सब्सक्राइबर भी हैं। दर्शकों के बेहतर रुझान के कारण Google YouTube द्वारा क्रिएटर अवार्ड से भी नवाजा गया है। रेडियो प्रसार का एक सशक्त माध्यम रहा है। विश्वविद्यालय द्वारा कृषि प्रसार और जन जागरूकता के लिए 2 सामुदायिक रेडियो स्टेशन का संचालन किया जा रहा है। एक कृषि विज्ञान केंद्र बाद पटना से 91.2 MHz पर किया जा रहा है, वहीं दूसरा सामुदायिक रेडियो का प्रसारण बिहार कृषि विश्वविद्यालय परिसर से 90.8 MHz पर FM ग्रीन के नाम से हो रहा है। इन कार्यों के अलावे बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर अपने किसानों को अन्य सुलभ माध्यमों जैसे टोल फ्री नंबर पर त्वरित जानकारी, व्हाट्सएप द्वारा तस्वीरें भेजकर सटीक जानकारी उपलब्ध कराना, SMS द्वारा मौसम पूर्वानुमान देना, इन सभी सुविधाओं को
किसानों तक उपलब्ध करा रहा है। इस प्रकार जब देश के विभिन्न क्षेत्रों में संचार क्रांति विस्तार ले रहा था, तब बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर ने कृषि क्षेत्र में भी आईसीटी आधारित ई कृषि प्रणाली का आगाज किया और हाशिए पर पड़े कृषक वर्ग को मुख्य धारा से जोड़ने का अथक प्रयत्न किया। हमारी सफलता कृषि ज्ञान को तीव्रता के साथ किसानों तक पहुंचाने के रूप में सामने आ रहे हैं। बिहार कृषि विश्वविद्यालय के इन्हीं कार्यों को भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने नागरिक केंद्रित उत्कृष्ट कार्यों के लिए राष्ट्रीय ई गवर्नेंस अवार्ड दिया। The silver award in this category goes to Bihar Agricultural University Sabaur. इसी वर्ष मीडिया सेंटर द्वारा बने फिल्म उम्मीद ए होप को राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान द्वारा आयोजित 5वें राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल अवार्ड में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। सेकंड प्राइज गोज टू उम्मीद ए होप।